हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बना सकते हैं यूजिंग अ टूल dbdiagram.io। dbdiagram.io की मदद से हमें इस वीडियो में देखना है कि हम ER डायग्राम कैसे बना सकते हैं। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ER डायग्राम होता क्या है। तो ER डायग्राम होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हमारे डेटाबेस में कई सारी एंटिटीज होती हैं, जैसे कि टेबल, व्यू एक्सेट्रा। अब उन सब एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, वो होता है हमारा ER डायग्राम के थ्रू। ER डायग्राम एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम हमारे एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने लेफ्ट में एक सैंपल सुपरस्टोर डेटा दिया है, जहां पर हमारे पास एक टेबल है, इनफैक्ट तीन टेबल है, और उन टेबल्स के अंदर पर्टिकुलरली कॉलम्स है। अब ये तीन टेबल एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये टेबल्स कनेक्ट हो रहे हैं हमारे, अगर राइट साइड में देखें तो हमारे ER डायग्राम में दिख रहा है कि ये टेबल्स जो हैं, ये बेसिकली जैसे ऑर्डर टेबल है, तो वो कनेक्ट हो रहा है हमारे यहाँ, जाओ यहाँ तक ऑर्डर आईडी से। फिर रीजन जो है वो कनेक्ट हो रहा है हमारे यहाँ के रीजन से। तो ये जो कनेक्शन है, ये ER डायग्राम के थ्रू हम पता कर सकते। आज के हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड जॉब पोस्ट करता रहता हूँ। लेफ्ट में दी गई QR कोड को आप स्कैन करके मेरे चैनल पे पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सीधे dbdiagram.io पे। तो dbdiagram.io पे जैसे हम पहुंचते हैं, तो हमारे सामने एक पेज आता है जो कि हमें कहता है कि ड्रॉ ER डायग्राम्स पेनलेसली। ये ER डायग्राम इस टूल की मदद से हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके कुछ की फीचर्स अगर हम देखें, तो सबसे पहला की फीचर है ये है कि यू टाइप एन ER डायग्राम अपीयर्स। आप एक छोटा सा कोड लिखोगे और आपका ER डायग्राम ऑटोमेटिकली बन जाता है। सेकंड, जनरेट सीक्वेंस स्टेटमेंट। अगर समझ लो एक बार आपका ER डायग्राम बन गया, तो आप उससे सीक्वेंस स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो और उस सीक्वेंस स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल पोस्टग्रेस में डाला, तो उस पोस्टग्रेस में अपने आप टेबल बन जाएंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आपके ER डायग्राम को एक्सपोर्ट कर सकते हो इमेजेस एंड PDFs में। आप आपके ER डायग्राम को शेयर कर सकते हो ताकि आपके कलीग्स उस पर काम कर सकें, या फिर आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो ताकि वो उसको देख सकें। नेक्स्ट है इंटीग्रेट विथ योर SQL डेटाबेस। क्विकली जनरेट योर डायग्राम फ्रॉम SQL डंप फाइल्स। जो भी SQL डंप फाइल्स होती है उसकी मदद से वो अपने आप ER डायग्राम बना सकता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेट विद पॉपुलर frameworks। कई सारे वेब frameworks होते हैं जिससे ये इंटीग्रेट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल Django और Rails। तो ये रहा हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे सामने एक मैंने एक सैंपल बना रखा है, पर हम इस पे काम नहीं करेंगे। मैं इसमें इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले जाऊंगा और सैंपल सुपर स्टोर डेटा को लूंगा, पर अभी समझने के लिए ये अच्छा है। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें, तो हमारे पास लेफ्ट में जो है वो कोड टाइपिंग के लिए एरिया दिया है, और राइट में जो है हमारा ER डायग्राम है। तो जैसे ही हम इसमें कोड लिखते जाएंगे, हमारा ER डायग्राम बनते जाता है। अब अगर हम यहाँ ऊपर से देखना स्टार्ट करें, तो यहाँ पर आप आपके ER डायग्राम को एक नेम दे सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। फिर यहाँ है शेयर करने का ऑप्शन। तो आप अगर फ्री वर्जन पे हो, तो आप उसको केवल ऐसा नॉन एडिटेबल शेयर कर सकते हो। तो किसी को एडिट करना होगा तो उसकी कॉपी बनाएगा और फिर ये एडिट कर सकता है। पर अगर आप इसके पेड या प्रो वर्जन पे जाओगे, तो आप उसको डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हो। हिस्ट्री, ये एक और फीचर है जो कि प्रो वर्जन में अवेलेबल है। एक्सपोर्ट, अब आपके ER डायग्राम को अलग अलग डेटाबेस में या फिर PNG और PDF में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो अगर आपके यहाँ पोस्टग्रेस की डंप फाइल्स हैं या दूसरे DB की डंप फाइल्स हैं, तो उसके थ्रू आप इसको इंपोर्ट कर लो और यहाँ पर आपका ER डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट है व्यू। इसको लाइट व्यू या डार्क व्यू जैसे समझो। अगर अभी ये लाइट व्यू है, अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो ये डार्क व्यू आ जाएगा। पब्लिश टू DB डॉक्स।
अगर आप आपकी इस चीज जो आपने काम किया उसको आपको पब्लिश करना है तो आप डीवी डॉक से पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास अपग्रेड का ऑप्शन है और कुछ हेल्प है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल सकते हैं। अगर आप नीचे ध्यान से देखें तो नीचे हमारे पास जूम का ऑप्शन है, फिर है रीसाइज करने का, मतलब फिट जूम टू फिट, मतलब अगर हमने आपको जूम कर रखा है और वापस चाहते हैं कि ये फिट हो जाए तो ये फिट हो जाता है। नेक्स्ट है ऑटो अरेंज, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा कुछ मैंने इसको इस तरह से कर रखा है और हिला दिया है पूरा और मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाए, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली ये अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हाईलाइट, जैसे हाईलाइट करूँगा तो मेरे सारे रिलेशनशिप्स हाईलाइट हो जाएंगे इस तरह से, यहाँ देखो ठीक है ये मेरे रिलेशनशिप सारे हाईलाइट होगा। नेक्स्ट है ग्रिड, अब पता नहीं आपके इसमें दिख रहा है कि नहीं पर यहाँ पर छोटे छोटे ग्रिड्स बन चुके हैं ताकि आपको समझेगी वो विद इन सेम लाइन में है कि नहीं, क्योंकि आप ग्रिड टू ग्रिड मैप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टिकी नोट्स के लिए, तो ये प्रो फीचर है और उसके पास वाला आपको फील्ड्स दिखाने सारे कि केवल कीज दिखानी है या फिर टेबल नेम दिखाना, तो ये ऑप्शन भी एक तरह से प्रो फीचर में। तो आई होप आपको एक यूआई तो समझ में आ गया हो। अब एक लेफ्ट में देखते हैं कि किस तरह से हम ईआर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ईआर डायग्राम बनाने के लिए हमें टेबल्स चाहिए, तो टेबल के लिए टेबल कमेंट लिखो, टेबल टेबल का नाम ओके, और फिर कर्ली ब्रेसेस में हम इसके कॉलम्स लिखेंगे, तो कॉलम जैसे आईडी लिखा, फिर कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर, और पी के बता रहा है, पी के बता रहा है ये प्राइमरी की है स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट में। अब यहाँ पर ये कंपोजिट की है तो दो की मिलके प्राइमरी की बने हैं, इसीलिए यहाँ पर पी के और पी के इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। मर्चेंट नेम यहाँ पर दे रखा है, ये रहा, और ये वेर कह रहे हैं, तो ये आपकी एक टेबल बन गई। ऐसी दूसरी टेबल बना लो, तीसरी टेबल बना लो ओके। उसके बाद यहाँ पर आप तीनों टेबल को ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें रेफरेंसिंग करनी पड़ती, तो क्रिएटिंग अ रेफरेंस इस तरह से होगा कि हमारे कार्डिनलिटी कैसे हो सकती है, मैनी टू वन, वन टू मैनी, वन टू वन और मैनी टू मैनी, तो वो कैसे सिग्निफाई होता है। यहाँ ध्यान से समझना कि यूजर टेबल में हमारी यूजर टेबल किधर है, ये तो यूजर में मैनी दिखा रहा है ठीक है, और ये जा रहा है कंट्री में वन पे, तो मैनी टू वन है। अब मैनी टू वन अगर हमें कमेंट्स में देखें तो ये ग्रेटर देन सिंबल से हो रहा है, तो हमने हमारा यूजर का कंट्री कोड डाला, कंट्रीज का कोड डाला और इसमें मैनी टू वन के लिए ग्रेटर देन सिंबल डाल दिया। अगर मैं अभी यहाँ पर देख रहे हो मल्टीपल स्टार से वन जा रहा है, अगर मैं इसको लेस देन कर दूं मैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैनी हो गया और यहाँ वन हो गया इस तरह से ओके। पर ये अभी सेंस नहीं बनाएगा इसलिए इसको मैनी टू वन नहीं करते, क्योंकि एक यूजर है, मल्टीपल यूजर्स एक पर्टिकुलर कंट्री कोड में रह सकते हैं, मतलब एक कंट्री में रह सकते हैं इस तरह से, तो ये मैनी टू वन होगा। नेक्स्ट है ई कॉमर्स मर्चेंट कंट्री कोड, तो ई कॉमर्स मर्चेंट का जो कंट्री कोड है वो अगेन मैनी टू वन होगा, तो ये दोनों मैनी टू वन है इसलिए ये ग्रेटर देन साइन है, आप देख सकते हो मैनी टू वन। तो ये सिंपल था। अब हम फटाफट हमारे सैंपल सुपर स्टोरेज के लिए स्टार्टिंग से बनाते हैं, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, इनफैक्ट मैं ये कमेंट्स रहने देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस के लिए इजी रहे, और बाकी सब हटा देते हैं। अब चलते हैं हमारे सैंपल सुपर स्टोर डेटा के टेबल को देखते हैं। हमारे पास तीन टेबल्स हैं इस डेटा सेट में, ऑर्डर रिटर्न्स एंड पीपल। ऑर्डर्स में सारे ऑर्डर्स हैं, तो अराउंड 10,000 ऑर्डर्स हैं हमारे पास, 9995, तो अराउंड 10,000 ऑर्डर्स हैं हमारे पास। उसमें से कितने रिटर्न हुए हैं, तो अराउंड 300 ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं, बाकी रिटर्न नहीं हुए हैं। मतलब ऑर्डर में हमारे पास सारे ऑर्डर आईडीज हैं, ये जो कॉलम है ये ऑर्डर आईडी का बेसिकली कॉलम है, तो ऑर्डर टेबल में सारे ऑर्डर आईडी हैं, उसमें से कुछ सबसेट ऑफ ऑर्डर्स हमारे रिटर्न हुए हैं, वो कहाँ इकट्ठे हुए, रिटर्न्स में। अब हर ऑर्डर जो है वो किसी न किसी पर्टिकुलर रीजन से होगा, फॉर एग्जाम्पल येरा रीजन, तो फर्स्ट ऑर्डर देखे तो हमारे साउथ रीजन इस तरह से,
तो इसमें ये वैल्यूज जो है रिपीटेड हो सकती है, और जो हमारा पीपल टेबल है इसमें जो रीजन होगा वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हर रीजन का एक ही सेल्स पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर नॉर्थ नहीं, तो यहाँ पर नॉर्थ आएगा और उसका नाम आ जाएगा, और ऑर्डर्स में लास्ट में जाके एक आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर कि आप आपके ना यहाँ नॉर्थ आ जाएगा इस तरह से। तो आप समझे ना कि पीपल में सारे रीजन्स होंगे, तो हो सकता है कि ऑर्डर्स में सारे रीजन्स ना हो। आई होप आपको ये समझाओ। अब अपन क्या करेंगे, अब इसी तीन टेबल का हम ईआर डायग्राम बनाने वाले। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे डीबी डायग्राम पे और हमें टेबल बनानी। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन टेबल लिखते हैं, टेबल, टेबल का नाम ऑर्डर्स, ऑर्डर और कर्ली ब्रेसेस खोल देते हैं। यहाँ मैं ऊपर की स्पेस हटा देता हूँ और कर्ली ब्रेसेस में मैं सारे कॉलम्स एक साथ कॉपी पेस्ट करूँगा। देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर ऊपर गया, सारे इन टेबल्स को मैंने कॉपी करके लास्ट शीट पे ले गया और इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो सारे के सारे मेरे टेबल्स इस तरह से आ गए और मैंने इनको आराम से इनका डेटा टाइप दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ मेरे सामने एरर्स आते हैं। एरर क्या बता रहा है, एक्सपेक्ट अ फॉलोइंग स्पेस। अब यहाँ पर क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में तो यहाँ स्पेस नहीं है, टैब है, तो मैं इसे कॉपी करके कंट्रोल एफ करूँगा और रिप्लेस में इसको मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो मेरे सारे जो टैब थे ना वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्पेस में हुआ है, और मेरी जैसी एरर्स चली गई वैसे आपने राइट हैंड साइड में देखा होगा कि मेरा एक टेबल बन गया। अब मुझे दो और टेबल्स की ज़रूरत है, तो अब मैं फटाफट एक दूसरी टेबल बना लेता हूँ, टेबल रिटर्न्स कर्ली ब्रेसेस, वहां से कॉलम्स उठा लो अलोंग विद डेटा टाइप और पेस्ट कर दो। अगेन मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, मेरा बन गया। अब दूसरी टेबल कहाँ बनी है, दूसरी टेबल बनी नीचे, हम इसको करते हैं ऑटो अरेंज अभी करेंगे। एक और तीसरी टेबल और बना लेता हूँ मैं, इन टेबल के बीच में स्पेस हो सकती है, तो एक और स्पेस देख के मैं लिख देता हूँ टेबल, टेबल का नाम है मेरा दूसरा पीपल, कर्ली ब्रेसेस, और अब मैं यहाँ से कॉपी कर अगेन मैं टैब को स्पेस से रिप्लेस कर रहा हूँ और ये मेरे तीन टेबल बन गए। अब मैं ऑटो अरेंज से मैं इसको अरेंज कर लूँगा, इस तरह से मिल गया। मैं पीपल को और करता हूँ राइट में और ये मेरी बन गई टेबल, टेबल या एंटिटी सारी आ गई। अब मुझको एंटिटीज में रिलेशनशिप डालना है, तो उसके लिए हर टेबल के पास एक प्राइमरी की होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑर्डर्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में प्राइमरी की या पी के दोनों में से कुछ भी डाल सकता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ प्राइमरी की। जैसे मैंने इसे प्राइमरी की डाला, मेरे को यहाँ पर ये बोल्ड और यहाँ पर की आ गई, इन दोनों में नहीं है। अब दोनों में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे कॉपी करता हूँ, रिटर्न में मेरे को चाहिए यहाँ पर ऑर्डर आईडी के लिए और पीपल में चाहिए रीजन के लिए। तो अब ये मेरी हो गई प्राइमरी की स्टेब्लिश। अब मेरे को इनमें रिलेशनशिप चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़े एंटर करके इस चीज़ को नीचे ले आता हूँ। अब देखिए वन टू मैनी, तो वन टू मैनी में क्या होगा कि हमारे इसमें वन टू मैनी नहीं होंगे, हमारे इसमें वन टू वन होगा, क्योंकि एक ऑर्डर ही इसी रिटर्न्स में आएगा। ओके, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर, अगर एक ऑर्डर रिटर्न हुआ है तो हो गया रिटर्न, तो ऑर्डर वापस इस टेबल में आ जाएगा, तो इसीलिए हम इसमें वन टू वन का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं रेफ कोलन ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी हाइफन रिटर्न डॉट ऑर्डर आईडी, तो ये हमारी होगी वन टू वन। सेम चीज होगी कि रीजन और ऑर्डर्स में,
तो मैं यहाँ पर डालूंगा रेफ कोलन रीजन पीपल में, मतलब पीपल डॉट रीजन हाइफन ऑर्डर रीजन, तो ये भी स्टेब्लिश हो गया। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको लगातार दिखता रहे। ग्रिड हटा देते क्योंकि ग्रिड की जरूरत नहीं है मुझे, और ये हो गया मेरा ईआर डायग्राम रेडी। अब मैं इस ईआर डायग्राम को एक्सपोर्ट करूंगा और अपने पोस्टग्रेस में इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट टू पोस्टग्रेस, इसको हम ओपन करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी और हमें जाना है हमारे पोस्टग्रेस में। ये टेबल है मेरे पास, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ऑलरेडी मेरे पास कुछ टेबल्स हैं। अब मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एक एक को टेबल को भी हम रन कर सकते हैं या फिर मल्टीपल टेबल एक साथ भी रन करी जा सकती है। ओके, तो अब देखा जाए तो हमारे पास तीन टेबल्स आ चुकी हैं, पर क्या इनमें रिलेशनशिप है देखते हैं। अभी मैंने रिलेशनशिप सेट नहीं करा है, तो अगर मैं राइट क्लिक करके ई आर डी फॉर टेबल करूँगा तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ एक ही टेबल दिखेगी। ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ डोंट से, फिर से अपने यहाँ पर जा रहा हूँ और इधर मैं इसे रन करता हूँ। अब मेरे रिलेशनशिप या रेफरेंस सेट हो गए। फिर से ऑर्डर में जाके मैं देखता हूँ ई आर डी फॉर टेबल, अब मेरी यह आ गई इस तरह। तो मेरे टेबल या पोस्टग्रेस में भी मेरे टेबल्स आ गए, उनमें रिलेशनशिप सेट हो गई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर हाँ इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ गए तो मैं इसका प्रो वर्जन खरीदूंगा और फिर पूरा वीडियो बनाऊंगा कि प्रो में क्या क्या फीचर्स हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।